हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास टाटा स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग इन अ चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है और मेरे साथ साथ बहुत ही ऑसम टीम इसमें आप लोगों की हेल्प कर रही है, जैसा कि आप लोगों को पता है, और आप इनके साथ में मिलकर के बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिस कर रहे हैं और ओलंपियाड्स लेवल की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। आज जिस चैप्टर के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा एक्सक्रीशन। ओके, कहने का मतलब ये है कि एक बार बताओ भाई, हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं या जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं उनका बॉडी से एक्सक्रीट होना, उनका बॉडी से बाहर निकलना, ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन। आज अपन इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को क्या करना होगा, फटाफट से बेल आइकन प्रेस कर देना होगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजिली अवेलेबल हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि बेटा कि आप लोगों को अभी तक किसी भी तरह की कोई भी किसी भी टाइप की, अगर हमने अभी तक जो पढ़ा है उसमें किसी भी तरह की थोड़ी सी भी शंका, चाहे वो दीर्घ हो चाहे वो लघु हो, किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, क्योंकि अपन उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे फटाफट से, नो प्रॉब्लम। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है हमारे लाइफ प्रोसेस का लास्ट पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन। तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं और जबरदस्त तैयारी करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिंपल से काम करना है वो ये कि आप लोगों को टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना होगा, गूगल प्ले पे जाकर के सिंपल सा काम करना है। ओके, और वहां पे जाने के बाद में जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या करना है, t.me/ttb010 ये वाला पाथ फॉलो करना है ताकि वह हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर जाएंगे और हमारी टेक्निकल टीम के द्वारा जो स्टडी मटीरियल है, सैंपल पेपर से और DPP है, इसके अलावा नोट्स वगैरह जो आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए गए हैं विदाउट एनी कॉस्ट, आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन शानदार और धुआंधार कर सकते हो बहुत आराम से, ठीक है। और भी जबरदस्त तैयारी करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक सिंपल सा काम करना है, वही है कि आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना होगा जो कि है www.talkingtextbooks.in। ओके, अब आपको तो आपकी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग दिखना होगा, जिसमें आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, कॉम्प्रेंसिव स्टडी मटेरियल है, लाइव कटेड क्लासेस हैं, इसके अलावा मैं बात करूं जैसे कि क्विजेज हैं, ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चन हैं, पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, बहुत कुछ आप लोगों को मिलने वाला है। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में आप डायरेक्ट प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ जाएंगे, जहां पे आप लोगों को मिलने वाला है 30% डिस्काउंट। और इस डिस्काउंट का लाभ प्राप्त करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, मेरा कोड यूज करना होगा जो कि है VR Live। क्या है बेटा, आपको मेरा कोड यूज करना है जो कि है VR Live। जैसे ही आप इस कोड को यूज करेंगे आप आराम से 30% डिस्काउंट प्राप्त कर लेंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर 9000 का जो 30% होगा वो होगा 2700, ये डिडक्ट होने के बाद जो पेबल अमाउंट रहेगा, जो पेबल अमाउंट रहेगा वो रहेगा ओनली 6300। जैसे ही आप बाय पैकेज पे क्लिक करते हैं, जैसे ही आप बाय पैकेज पे क्लिक करेंगे, ये जो 6300 का अमाउंट है, ये जो 6300 का अमाउंट है, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू इजीली आराम से आप अपना पेमेंट कर सकते हो। फिर भी अगर कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई भी शंका है, कोई क्वेरी है, तो आप 9549041111 पे कॉल करके आप अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हो बहुत आराम से। क्योंकि देखो, मे बी पॉसिबल कि कोई टेक्निकल एरर आ जाए, तो उसके लिए जो समाधान मिलेगा आप लोगों को वो ही है 9549041111 पर कॉल कर देना है बहुत आराम से। ओके, तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा एक्सक्रीशन। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, कार्डिनल प्रॉमिस, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। फटाफट से आप लोगों ने कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। हो गया, चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आज हम देखने वाले हैं वो है हमारा एक्स
क्रिशन, ठीक है। और एक्सक्रीशन में जो आपको यहां पे पार्ट नजर आ रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें हमारे बॉडी से या हमारी बॉडी से जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो एज ए यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता है। आज हमें इसी को ही डिस्कस करना है बेटा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट, जैसा कि आप लोगों को पता है, एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हार्मफुल सब्सटेंसेस। हमारी बॉडी से जो हार्मफुल सब्सटेंसेस बन रहे हैं लाइक यूरिया, यूरिक एसिड एंड सोल्ट, इनको हमारी बॉडी से बाहर निकालना। अब मैं आप लोगों से छोटा सा क्वेश्चन करता हूं, ये कि आप लोगों को डिफरेंस बताना है एक्सक्रीशन में और इजेशन में। भाई इजेशन में भी तो हमारी बॉडी से क्या हो रहा है? इजेशन में हम लोगों ने डाइजेशन में पढ़ा हुआ है, बॉडी से क्या निकल रहा है? जो डाइजेस्टेड फूड है, सॉरी, जो फूड का जो अनडाइजेस्टेड फूड हो गया हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट है, उसका हमारी बॉडी से बाहर निकलना एनएस के थ्रू, उसे तो हमने इजेशन में काउंट किया है। तो एक्सक्रीशन में हमने किसको काउंट करा है, इसमें आप लोगों को डिफरेंस बताना है फटाफट से। अगला बताइए, देयर आर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती रहती है, जिसमें कई हार्मफुल सब्सटेंस बनते हैं और उनका बॉडी से एक्सक्रीट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज हमारी बॉडी के लिए खतरा पैदा हो सकता है। वही चीज अपन आगे बढ़ते हैं। ऑल दीज एक्टिविटीज आर केमिकल रिएक्शंस। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज केमिकल रिएक्शन सेवरल आर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। वही जो हमने अभी डिस्कस किया कि हमारी बॉडी में हो क्या रहा है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है, जिसके थ्रू कई हार्मफुल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और हार्मफुल प्रोडक्ट्स की वजह से उनका हमारी बॉडी से बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन। वही चीज फटाफट से मैं आप लोगों को फिर से बताता हूं, एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटाबॉलिक वेस्ट। और मेटाबॉलिक को हमने जस्ट यहां पे डिस्कस किया है, जो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में बन रहे हैं। और हमारी बॉडी में बन रहे हैं तो वो किस फॉर्म में बन रहे हैं बेटा? यूरिया है, यूरिक एसिड्स वगैरह है, सॉल्ट्स वगैरह है, जो हार्मफुल प्रोडक्ट हमारी बॉडी के लिए पॉइजनस है एक तरीके से, हमारी बॉडी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसको हमारी बॉडी से बाहर निकलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, दीज मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, प्रॉपर फंक्शन ऑफ द बॉडी। तो बॉडी का जो प्रॉपर फंक्शन हो रहा है, उस फंक्शन को निभाने के लिए, उस फंक्शन को आगे बढ़ाने के लिए इन एक्सक्रीशन का, सॉरी, इन वेस्ट प्रोडक्ट का हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एज इट इज। इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट सच एज यूरिया, यूरिक एसिड, सोल्ट्स फ्रॉम द बॉडी। देर आर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज विच टेक्स प्लेस इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑल दीज एक्टिविटीज आर केमिकल रिएक्शंस। एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस सेवरल एंड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्स। दीज एंड प्रोडक्ट्स आर, ये जो बाहर में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं हमारी बॉडी के लिए कैसे हैं? हार्मफुल हैं। हमारी बॉडी के लिए कैसे हैं? पॉइजनस हैं। अगर हमारी बॉडी के लिए, अगर हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकाले गए तो डेंजर, कहने का मतलब खतरा हो सकता है। ओके, और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फटाफट से। एक्सक्रीशन द एलिमिनेशन, हमारी बॉडी से बाहर जाना, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होने की प्रोसेस है। द एलिमिनेशन ऑफ ऑल मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। हमारी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर एलिमिनेट हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब एक्सक्रीशन इन ऑर्गेनिज्म की अगर अपन बात करें, चाहे वो लिविंग चाहे वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हो, सभी में क्या हो रहा है? एक्सक्रीशन तो हो रहा है, कोई ना कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही होगी। और उस मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान क्या बन रहा है?
पॉइजनस हार्मफुल सब्सटेंस बन रहे हैं, है ना, और उनका हमारी बॉडी से या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो यूनिसेल्युलर हो चाहे वो मल्टीसेल्युलर हो उसकी बॉडी से बाहर निकलना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा रिमूव वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस दो प्रोसेस हैं जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी होंगी सेल वाले चैप्टर के अंदर। ओके, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा रिमूव वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सराउंडिंग वॉटर, क्योंकि अमीबा जो है मैक्सिमम केसेस में क्या होता है जो है वॉटर रीजन में ही प्रेजेंट होता है। लोअर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक फ्लैटवर्म यूज फ्लेन सेल्स व्हाइल द अर्थवर्म यूज द नेफिलिया ऑफ एक्सक्रीशन फॉर एक्सक्रीशन। अगर हम बात करें हायर ऑर्गेनिजम्स के बारे में तो हायर ऑर्गेनिजम्स में भी क्या हो रहा है, हायर ऑर्गेनिजम्स में भी क्या हो रहा है, वो जो हार्मफुल या हम एक तरीके से कहीं जो पॉइजनस प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, बॉडी से एक्सक्रीट हो रहे हैं। अब उस एक्सक्रीशन में डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं वो हेल्प कर रहे हैं। किडनी की हम बात करें तो किडनी क्या कर रही है, यूरिक जो यूरिन है हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करने में हेल्प कर रही है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी। हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक फिश फ्रॉग लिजार्ड बर्ड्स ह्यूमंस लाइक यूज किडनी फॉर एक्सक्रीशन, जो किसका यूज कर रहे हैं, एक्सक्रीशन का यूज कर रहे हैं और एक्सक्रीशन सॉरी किडनी का यूज कर रहे हैं और उस किडनी के थ्रू क्या हो रहा है, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा है। फटाफट से एज इट इज को लिख लीजिए फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हो गया, चले आगे। चले बेटा, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, एक्सक्रीशन इन एनिमल। एक्सक्रीशन इन एनिमल में सबसे पहले हम बात करते हैं अमीबा के बारे में। हम लोगों ने पढ़ा है कि अमीबा कैसा है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है दैट मींस एक ही सेल रेस्पॉन्सिबल होगी चाहे कोई भी प्रोसेस हो, किसी भी टाइप की प्रोसेस हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल रेस्पॉन्सिबल होगी और उस प्रोसेस के दौरान या उस एक सेल के दौरान ही क्या होगा, उस सेल के द्वारा ही बॉडी से एक्सक्रीशन होगा अमीबा के अंदर। अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन फ्रेश वॉटर। इन अमीबा कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया आर द मेन वेस्टर मटेरियल। इसके पास में जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। दीज वेस्ट मटेरियल आर एक्सक्रीटेड आउट बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस। बॉडी के थ्रू क्या करेगा, इसकी जो बॉडी है, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, उसके थ्रू क्या कर देगा, एक्सक्रीशन वाली प्रोसेस करेगा। और किस प्रोसेस के द्वारा करेगा, डिफ्यूजन वाली प्रोसेस के द्वारा करेगा। इन अमीबा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के थ्रू क्या हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है। किसमें, अमीबा के अंदर। ऑल्सो प्ले सम रोल रिमूवल ऑफ वेस्ट मटीरियल एज इट इज, इसको कॉपी कर लीजिए। इसके बाद में ये जो आपके पास में वर्ड आया है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, इसको हम आगे स्टडी करेंगे कि ये एक्चुअली में होता क्या है अमीबा के पास में और ये किस तरीके से अमीबा के अंदर जो एक्सक्रीशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का या अमोनिया, हम एक तरीके से कहें जो अमोनिया वगैरह है, इनका जो एक्सक्रीशन हो रहा है वो कैसे इसमें हेल्प कर रहा है, इसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले एक बार आप इसको लिख लीजिए फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, मैनी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा एक्सक्रीट देयर वेस्ट प्रोडक्ट्स
by diffusion from their body surface as they are small in size. अब मैंने जैसे आप लोगों से कहा था वो ये कि बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे आप लोगों को एक वर्ड नजर आ रहा होगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के बारे में अगर अपन बात करें तो आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा है, ठीक है। ये क्या है? अमीबा है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल्स के बारे में। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल इज द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन एन अमीबा। अमीबा के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल है ये एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहे हैं, किसमें? अमीबा में। ओके, दिस वेक्यूल कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म है, जो जेली लाइक सब्सटेंस है, यहां से क्या करेंगे? वेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करेंगे। कौन? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। नाउ अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज एन ऑर्गेनल और सब सेलुलर स्ट्रक्चर दैट इज इन्वॉल्व इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड वेस्ट रिमूवल। जो किसमें हेल्प कर रहे हैं? ऑस्मोरेगुलेशन और वेस्ट रिमूवल में हेल्प कर रहे हैं। इन सम यूनिसेल्युलर लाइक यूकेरियोटिक की अगर अपन बात करें ऑर्गेनिज्म सच अमीबा, सेल्युलर वेस्ट एंड एक्सेस वाटर आर एक्सक्रीटेड बाय एक्सोसाइटोसिस व्हेन द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स मर्ज विद द सेल मेम्ब्रेन एंड एक्सपेल वेस्ट इनटू द एनवायरमेंट। अब जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स ने जो वेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट किया है उसको क्या कर देंगे? बॉडी से एक्सक्रीट कर देंगे। किसकी बॉडी से? अमीबा की बॉडी से। फटाफट से एज इट इज को कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हो गया, चले आगे। अमीबा की स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी जानते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है। ओके, न्यूक्लियस है इसके पास में, ठीक है। बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है आप लोगों को पता है, सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज, जो जेली लाइक सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट होता है उसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। क्लियर? हो गया, चले आगे। चलिए अब हम बात करते हैं व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग सोल्ट एंड वाटर बैलेंस। वाटर और सोल्ट का बैलेंस बनाए रखना, ऑस्मोरेगुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग ए सोल्ट एंड वाटर बैलेंस, जिसे हम कहते हैं ऑस्मेटिक बैलेंस अक्रॉस मेम्ब्रेन्स विद इन द बॉडी। जैसा कि हम लोगों ने अभी जस्ट देखा है कि किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, ऑस्मोरेगुलेशन प्रोसेस के थ्रू एक्सक्रीशन इन अमीबा की अगर हम बात करें फटाफट एक्सक्रीटरी किसके थ्रू हो रहा है, मतलब किन किन का एक्सक्रीशन होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया का एक्सक्रीशन हो रहा है। द मेराइन ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट अमोनिया डायरेक्टली इन टू द वॉटर आर कोल्ड अमोलेंडेटिक। नेक्स्ट हम बात करें स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गेनल इज एब्सेंट इन अमीबा, CO2 एंड अमोनिया आर एक्सक्रीटेड बाय सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज ऑलवेज हायर इन अमीबा देन सराउंडिंग वॉटर। नेक्स्ट अमोनिया इज फॉर्म्ड इन साइटोप्लाज्म बाय मेटाबोलिज्म, जो वाइटल एक्टिविटीज हो रही है। द वॉटर एंटर्स थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम कहते हैं एंडोऑस्मोसिस। दस एक्सेस ऑफ वॉटर इज डिस्चार्ज इन सराउंडिंग वॉटर और मेंटेन द मिनरल एंड वॉटर बैलेंस इन अमीबा। दिस फिनोमिना ऑफ कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ वॉटर एंड मिनरल इज द इन द बॉडी इज कोल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। और ऑस्मोरेगुलेशन मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि जो सोल्ट और वाटर का बैलेंस बनाए रखना, किसका? सोल्ट का और वाटर का बैलेंस बनाए रखना। फटाफट से एज इट इज को कॉपी कर लीजिए बेटा, फटाफट से
यहाँ पे हमारा अमीबा के अंदर जो एक्सक्रीशन वाला पार्ट है वो खत्म हो गया है। अब हम देखते हैं जो ह्यूमंस के अंदर हो रहा है वो किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। ओके, अमीबा इज अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। अब अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म का सिंपल सा मतलब क्या है? द मेराइन ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट अमोनिया डायरेक्ट इनटू द वॉटर विच इज नोन एज अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। क्लियर? एक एक वर्ड बिल्कुल क्लियर होता चला जा रहा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करें एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, तो आप लोगों ने ये स्ट्रक्चर कभी ना कभी देखी होगी, ये हमारी किडनी है। अब हम बात करें ये वेना केवा एंड एरोटा जो हमारे हार्ट से रिलेटेड है। ओके नेक्स्ट, अब हम बात करें यहां पर आपको दो किडनीज नजर आ रही है, बीन्स है। ओके, यहां से आप लोगों को जो यूरेटर नजर आ रहे हैं, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है विच इज नोन एज यूरेटर, और यूरेटर जहां पे मिल रहे हैं एक बेग लाइक स्ट्रक्चर है जिसे कहा जाता है ब्लड। ठीक है, यहां पे हमारा जो यूरिन होता है वो इकट्ठा होता है, और जब हमें प्रेशर फील होता है तो वो यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। द मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन इज यूरिनरी सिस्टम। द स्किन ऑल्सो एक्ट एज एन ऑर्गन एक्सक्रीशन बाय रिमूविंग वॉटर एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंड सोल्ट। द यूरिनरी सिस्टम इंक्लूड अ पेयर ऑफ बिनशेप, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, जो कहां पे सिचुएटेड होती है, हमारी एब्डोमिन कैविटी में सिचुएटेड होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन, द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ किडनीज। भाई हम लोगों ने अभी जस्ट इसके बारे में तो डिस्कस किया था, ये किडनी है, ये किडनी है। ओके, अ पेयर ऑफ यूरेटर जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा है। ओके, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है। नेक्स्ट हम बात करें यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरिनरी ब्लैडर है जहां पे यूरिन इकट्ठा होगा। नेक्स्ट हम बात करें यूरिथ्रा, जिसके थ्रू हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज यूरिनरी सिस्टम, जिसे क्या कहा जाएगा? यूरिनरी सिस्टम कहा जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, फटाफट से एज इट इज को कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ह्यूमंस के अंदर जो किडनी पूरा का पूरा फॉर्म कर रही है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीशंस हो रहे हैं, या हम एक तरीके से कहें जो यूरिन का एक्सक्रीशन हो रहा है, इसके अलावा ब्लड को फिल्टर करने में भी हमारी जो किडनी होती है वो हेल्प करती है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक्स, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा है, जो हमारी बॉडी में से हार्मफुल प्रोडक्ट्स वगैरह बन रहे हैं उनका हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होना, हमारी बॉडी से बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। द एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। द मेजर वेस्ट प्रोडक्ट बाय अस आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोगों ने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था, जो हमारे नॉस्ट्रिल्स के थ्रू क्या हो रहा है, हमारी बॉडी से बाहर निकल रहा है, हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो रहा है। अब बात करते हैं हम यूरिक एसिड्स वगैरह के बारे में या यूरिया के बारे में, जो हमारी बॉडी में बन रहा है, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है हमारी बॉडी में बन रहे हैं, तो वहां पर कौन हेल्प कर रही है? हमारी बॉडी में किडनी हेल्प कर रही है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड इज द प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जैसा कि हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किया था, एंड यूरिया प्रोड्यूस्ड बाय द डीकंपोजिशन ऑफ अनयूज्ड प्रोटीन इन
द लिवर देयर आर डिफरेंट ऑर्गन विच रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी दीज आर लंग्स एंड किडनी. लंग्स के थ्रू तो क्या होगा बेटा, लंग्स के थ्रू तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाएगा, और किडनी की अगर अपन बात करें तो यहां से जो हमारी बॉडी में बन रहा है वो बाहर निकल जाएगा. कहने का मतलब जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो एक्सक्रीट हो रहा है, और जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी में यूज हो रही है. अगर हम यूरिया की बात करें तो यूरिया हमारी बॉडी में किडनी के थ्रू क्या हो रहा है, एक्सक्रीट हो रहा है. इट इज नेसेसरी टू रिमूव दिस वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी एज देयर अक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस एंड हार्म अस. देयर आर डिफरेंट ऑर्गन विच रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, दीज आर लंग्स एंड किडनी. जो क्या है हमारे पास में, लंग्स एंड किडनी है. लंग्स के थ्रू क्या हो रहा है, CO2 एक्सक्रीट हो रही है, बाहर हो जा रही है नोस्ट्रिल के थ्रू. और अगर हम बात करें किडनी के बारे में तो वहां से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिया जो बन रहा है हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन के थ्रू, वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा है. आर लंग्स एक्सक्रीट कार्बन डाइऑक्साइड एंड किडनीज यूरिया. सो द किडनी इज मैन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी एज इट इज. इसको कॉपी कर लीजिए बेटा फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं. ओके बहुत ही पॉइजनस, मतलब डेंजर हो सकता है हमारी बॉडी के लिए. ओके लिख लिया आप लोगों ने, इसको अपन पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं. बस हमें यहां पे समझना है कि जो किडनी है हमारी बॉडी के अंदर वो किसका एक्सक्रीशन कर रही है हमारी बॉडी से. ओके आगे बढ़े फटाफट से. नेक्स्ट हम बात करें, फर्स्ट वी विल सी हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड थ्रू द लंग्स. लंग्स के बारे में अगर अपन बात करें या हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करें, तो आप लोगों को पता है हम लोगों ने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, जहां पे जो हमारे नॉस्ट्रिल्स हैं वहां से क्या हो रहा है, हमारे एयर अंदर आ रही है और हमारी ट्रेकिया के थ्रू हमारे लंग्स में जा रही है, और वहां पे हमें पता है जो एल्वोलाई है, एल्वोलाई के अंदर एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, जो अदर गैसेस हैं वो वापस क्या हो रही है, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो रही है. वी विल सी हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड थ्रू द लंग्स. कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूसेस एज अ वेस्ट प्रोडक्ट इन द बॉडी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. अब फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का काम हो रहा है, ऑक्सीजन तो यूज हो रही है, लेकिन जो अदर गैसेस हैं वो तो हमारी बॉडी के लिए एक तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट ही है, जो हमारी बॉडी से क्या होना जरूरी है, हमारी बॉडी से उसका बाहर निकलना जरूरी, एक्सक्रीट होना जरूरी. दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स थ्रू द बॉडी टिश्यू इन द ब्लड स्ट्रीम बाय द डिफ्यूजन. ब्लड कैरीज दिस कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स. व्हेन वी ब्रीद आउट then the lungs excrete carbon dioxide which goes into the air through nostril. और हमें पता है यहां पे से हमारी बॉडी में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर एक्सक्रीट हो जाती है एज इट इज. उसको कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे अपन. ठीक है, यहां पे हमने बात करी है कार्बन डाइऑक्साइड की. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट यूरिया. जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो किस तरीके से हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो रहे हैं, और कौन सा वाला जो ऑर्गन है वो हमारी बॉडी के अंदर हेल्प कर रहा है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे. लेकिन पहले एक बार इसको लिख लीजिए आप लोग. हो गया बेटा, चले आगे. अब हम बात करते हैं
जो हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रिटरी सिस्टम की, देखिए एरोटा के बारे में और वेना केवा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है हमारे हार्ट में, ओके। जो वेना केवा है उसके थ्रू तो क्या हो रहा है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे हार्ट में जा रहा है, और हमारे हार्ट में जाने के बाद में वापस लंग्स में जाएगा, लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होने के बाद में वापस जो हमारा रिसीविंग चैम्बर है वहां पर आएगा। और रिसीविंग चैम्बर के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है, जो हमारा एट्रियम है, एट्रियम वाला जो पार्ट होता है विच इज नोन एज रिसीविंग पार्ट, ओके। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, रिसीविंग पार्ट में आएगा, एट्रियम से होता हुआ वापस से कहां पे चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद में एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा थ्रू ब्लड वेसल्स, आर्टरीज हैं हमारे पास, वही कैपिलरीज वगैरह हैं, उनके थ्रू हमारी बॉडी में। नाउ यहां पे जो आपको नजर आ रही है ये जो किडनी शेप्ड है, यहां पे जो आपको नजर आ रही है जो किडनी शेप्ड है विच इज नोन एज, मतलब बीन शेप्ड है, इन्हें कहा जाता है किडनी, ओके। और यहां पे दो ट्यूब नजर आ रही होंगी जिन्हें कहा जाता है यूरेटर, और यूरेटर के बाद में हम बात करें एक बैग जो नजर आ रहा है आप लोगों को, दिस इज नोन एज ब्लैडर, क्या कहा जाएगा इसको, ब्लैडर कहा जाएगा। और ब्लैडर के अंदर जो यूरिन होता है हमारी बॉडी पे वो इकट्ठा होता चला जाएगा, और जब हमें प्रेशर फील होगा तो वो हमारे जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा थ्रू यूरिथ्रा, ओके। अब द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग कलेक्ट्स द लिक्विड वेस्ट ऑफ द बॉडी एंड हेल्प इट गेट रिड ऑफ देम, इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेन ऑर्गन, टू किडनीज, जस्ट अभी हम लोगों ने देखा है, टू यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरिथ्रा, कोई नई बात नहीं देखी हम लोगों ने, जस्ट अभी डिस्कस किया था। द किडनी आर बीन शेप्ड, बिल्कुल सही बात है, बीन शेप्ड ऑर्गन टूवर्ड्स द बैक ऑफ आर बॉडी, हमारे पीछे वाली साइड में होती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आगे की तरफ है, बैक साइड में प्रेजेंट होती है, इस साइड में प्रेजेंट होती है, ओके। एवरीवन हैज टू किडनी, सभी के पास में दो किडनी, सभी जानते हैं, ब्लड constantly passes through the kidney, the renal arteries or kidney arteries bring the dirty blood contain waste substance in the kidney, so the function of the kidney remove the poisonous substance urea, other waste salt and excess water from the blood and excrete them in the form of yellowish liquid, जो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है जिसे हम कहते हैं यूरिन, द क्लीन ब्लड इज कैरीड अवे फ्रॉम द किडनीज बाय द रेनल वेंस, जो क्लीन ब्लड है वो किसके थ्रू हो रहा है, रेनल वेंस के थ्रू हो रहा है, और यहाँ पे हमारा ब्लड भी प्यूरिफाई हो रहा है, और इसके अलावा जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है यूरिया वो भी हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा है, और इसमें हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन है किडनी वो यहाँ पे हेल्प कर रही है। फटाफट से एज इट इज जो हम लोगों ने समझा है उसको लिख लीजिए फटाफट से, ओके। हो गया, लिख लीजिए बेटा फटाफट से, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जो हमारी बॉडी की बैक साइड में प्रेजेंट है हमारी किडनी, द यूरेटर वन फ्रॉम ईच किडनी, जो सभी किडनी से, देख लीजिए दो किडनी है हमारे पास में और सभी से एक ट्यूब निकल रही है जैसा कि आपको यहां पे नजर आ रहा होगा, द यूरेटर वन ऑफ ईच किडनी ओपन्स इन टू यूरिनरी ब्लैडर, जैसा कि आप लोगों को यहां पर नजर आ रहा है ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, ureter are the tubes which urine from the kidneys to the bladder, जो bladder के अंदर यूरिन को ले जाने का काम करेगा, here urine is stored, ये जो bag-like structure है यहां पर आप
का क्या इकट्ठा होगा, यहाँ पे यूरिन इकट्ठा होगा। द ब्लैडर इज बिग, इट स्टोर यूरिन टिल द टाइम वी गो टू टॉयलेट। अ ट्यूब कॉल्ड यूरिथ्रा विच इज कनेक्टेड विद द ब्लैडर, यूरिन इज पास फ्रॉम द बॉडी थ्रू। और यहां से जो हमारी बॉडी के अंदर यूरिन इकट्ठा हुआ है वो यूरिथ्रा के थ्रू क्या होगा, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। ओके, अब जब ये जो आपको नजर आ रहा है बैग लाइक स्ट्रक्चर, कई बार क्या होता है इसमें स्वेलिंग आ जाती है, और उस टाइम पे हमें जब हम हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर रहे होते हैं यूरिन को, तो हमें पैनिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो जब भी प्रेशर फील हो तो हमें चला जाना चाहिए। ओके, फटाफट से नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लेकिन पहले इसको लिख लीजिए फटाफट से। मस्क्यूलर होता है, ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करें हाउ द किडनी वर्क्स, किडनी किस तरीके से वर्क्स करती है उसके बारे में अपन बात करते हैं। यहां पे हम देख रहे हैं क्लीन ब्लड। ओके, नेक्स्ट हम बात करें रेनल वेंस के बारे में, ब्लड विद वेस्ट प्रोडक्ट, यहां पे जो हमें नजर आ रहा है यहां पे हमारा ब्लड आ रहा है। ओके, और इसके पास में क्या है, इसके पास में वेस्ट प्रोडक्ट्स भी हैं। नाउ रेनल आर्टरीज हैं, यूरिटर हैं, और यूरिटर से क्या होगा, जो हमारे ब्लैडर से अटैच्ड है वहां पे क्या होगा, यूरिन इकट्ठा होता चला जाएगा, और यूरिन इकट्ठा होगा तो यहां से क्या होगा, यहां से हमारी बॉडी से यूरिथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ईच ऑफ किडनी इज मेड ऑफ अबाउट ऑफ मिलियन फिल्टरिंग यूनिट्स विच इज नोन एज नेफ्रॉन। मिलियंस फिल्टरिंग यूनिट्स जिसे कहा जाता है नेफ्रॉन, ईच नेफ्रॉन इंक्लूड्स अ फिल्टर कॉल्ड ग्लोबुलस एंड ट्यूब्यूल्स। द नेफ्रॉन वर्क्स थ्रू अ टू स्टेप प्रोसेस, द ग्लोमेरुलस फिल्टर आर ब्लड एंड द ट्यूब्यूल्स रिटर्न्स नीडेड सब्सटेंसेस टू आर ब्लड एंड रिमूव वेस्ट। द बेसिक फंक्शंस इंक्लूड्स, जो हमारी बॉडी के अंदर बेसिक फंक्शंस है किसके, हमारी किडनी के, रेगुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम। द किडनीज वर्क्स टू इंश्योर द एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ प्लाज्मा टू कीप ब्लड फ्लोइंग वाइटल ऑर्गनल। रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोलरिटी, हमने जस्ट अभी देखा जो वॉटर है और सोल्ट है उसका बैलेंस बनाए रखना, कहने का मतलब जो ऑस्मेटिक प्रेशर है उसको बनाए रखना, ऑस्मेटिक बैलेंस को बनाए रखना। रेगुलेशन ऑफ आयन कॉन्सेंट्रेशन, नेक्स्ट रेगुलेशन ऑफ हम जो हमारी बॉडी के अंदर पीएच है उसका, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट एंड टॉक्सिन्स, मतलब जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर बन रहे हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनका हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करना एक। नाउ लास्ट हम बात करें प्रोडक्शंस ऑफ हार्मोन, जो हार्मोन्स का प्रोडक्शन हो रहा है उसमें भी कौन हेल्प कर रही है, हमारी किडनी हेल्प कर रही है। फटाफट से इसको लिख लीजिए फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हो गया, चले बेटा आगे नेक्स्ट। अब हम बात करें जो हमारी बॉडी के अंदर जो किडनीज हैं, इस तरीके से पूरी की पूरी स्ट्रक्चर बनी हुई है इसके बारे में, और हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड प्यूरिफाई हो रहा है इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर जो किडनी है, जो फिल्टरिंग यूनिट्स हैं नेफ्रॉन्स, वो किस तरीके से बॉडी के अंदर ब्लड को प्यूरिफाई कर रही है, और यूरिन जो बन रहा है किस तरीके से नाइट्रोजनस वेस्ट जो है हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। तो यहां पर हमने जो डिस्कस किया वो ये कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा है वो लंग्स के थ्रू हो रहा है, और जो
नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं, कहने का मतलब जो यूरिक एसिड यूरिया वगैरह जो बन रहा है वहां पे उनको फिल्टर करने का काम, या हम एक तरीके से कहें जो हमारे ब्लड को फिल्टर करने का जो काम है हमारी किडनी का है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर इस ये जो प्रोसेस हो रही है हमारी बॉडी के अंदर ये किस तरीके से हो रही है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय।